हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। इसमें हमसे कहा गया है कि एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमसे कहा गया है। उसने हमसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चंस में से एक्स की वैल्यू को ढूंढते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में उसने हमसे बोला 2 to the power 5x डिवाइडेड बाई 2 to the power x इक्वल्स टू में दिया है 2 to the power 20 के ऊपर 5 times रूट लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, एक लॉ का यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि बेस अगर सेम हो और नंबर डिवीज़न में हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इस वाले लॉ का यूज़ अगर मैं यहाँ पर करूँ, a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n इक्वल्स टू a to the power m-n होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो इस जगह पे तो हम लोग इस लॉ का यूज़ करेंगे, और इस जगह पर हम लोग रेडिकल्स को, यानी कि जब किसी भी नंबर के ऊपर 5 times 6 times 7 times रूट लगा होता है तो उसको किस तरीके से लिखते हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर, मान लें कि कोई नंबर एक्स हो और उसके ऊपर n टाइम्स रूट लगा हो, तो उसको x to the power 1/n लिखा जा सकता है। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। हालांकि यहाँ पर x वेरिएबल के तौर पे यूज़ किया गया, लेकिन क्योंकि ये एक लॉ के जैसा है इसलिए उसको हम लोग मान सकते हैं, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि अगर n टाइम्स रूट लगा हो a के ऊपर तो उसको a to the power 1/n लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर बेस सेम है, नंबर डिवीज़न में, तो इसका मतलब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 to the power 5x-x, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग। इक्वल में अगर हम लोग इसको देखें तो ये 2 to the power जो 20 है इसके ऊपर 1/5 आ जाएगा, क्योंकि पावर 5 times रूट लिखा है इसके ऊपर। तो यहाँ पर पावर में से पावर जब माइनस होगी तो इसको 2 to the power 4x लिखा जा सकता है। इसको अगर हम लोग देखें तो पावर के ऊपर पावर लगी है, तो यहाँ पर भी एक लॉ होता है कि a to the power m to the power n, तो a to the power mn हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 to the power 20 into 1/5। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 4 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2 to the power 4x इक्वल्स टू 2 to the power 4। ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं, दोनों का बेस सेम है, तो ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब इनकी पावर भी सेम हो। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जैसे बेस सेम है, नंबर इक्वल में है, तो ये दोनों नंबर्स के इक्वल होने की एक ही कंडीशन है जब इनकी पावर भी सेम हो। इसका मतलब है कि इनकी पावर को सेम लिया जा सकता है, इसलिए 4x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा और x इक्वल्स टू 4/4 आ जाएगा, जिससे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ पे हम लोगों को सीधे पावर के ऊपर पावर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी कि a to the power m whole power n अगर कहीं पर लिखा हो तो a to the power mn लिखा जा सकता है उसको। और जब a to the power mn लिखा जा सकता है तो इसका मतलब हम यहाँ पर करेंगे तो 3 into 4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो 2 into 2 to the power 2 into x हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 to the power 12 आ जाएगा और यहाँ पर 2 to the power 2x आ जाएगा। फिर से हम लोग इसी चीज़ पर आ जाते हैं कि बेस दोनों नंबर्स के सेम है और ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल में लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनके पावर भी इक्वल हो, क्योंकि कभी भी कोई नंबर ऐसा नंबर इक्वल नहीं हो सकता कि 2 to the power 3 हो और 2 to the power 4 हो, क्योंकि 2 to the power 3 की वैल्यू 8 होती है, 2 to the power 4 की वैल्यू 16 होती, तो 8 16 का इक्वल हो ही नहीं सकता। तो अगर नंबर्स के बेस सेम हैं और वे नंबर्स आपस में इक्वल लिखे हुए हैं तो वे तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनकी पावर भी सेम हो। इसका मतलब ये चीज़ निकल जाती है यहाँ से कि जो इनकी पावर होगी वो भी सेम होगी, यानी 12 equals to 2x आ जाएगा। और जब 12 equals to 2x आ जाएगा तो 2 को इसके नीचे डिवीज़न में ले जा सकते हैं, मतलब x equals to 12/2, यानी कि 2 से ये 12 कट जाएगा, कितने टाइम, 6 times। तो x की वैल्यू हमारी कितने आ जाएगी, 6। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इस चीज़ को देखते हैं। हमें दिया गया है, अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो 3/5 to the power x है और ये 5/3 to the power 2x है। यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों अलग अलग बेस हैं।
यानी ये दोनों के दोनों बेस डिफरेंट हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बेस को सेम करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग आगे का कैलकुलेशन कर सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमें लॉ पता है एक्सपोनेंट का कि अगर कहीं पर a टू द पावर m लिखा हो और उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर दें तो पावर जो होती है वो माइनस में हो जाती है, मतलब पावर नेगेटिव हो जाती है। जो पावर पहले पॉजिटिव थी अब वो नेगेटिव हो जाएगी, तो हम यहाँ पर वो काम करेंगे जिससे कि ये बेस अगर 5/3 है तो ये बेस भी 5/3 हो जाए। और फिर क्योंकि यहाँ पर भी मुझे 5/3 जैसे बेस का ही नंबर बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको रेसिप्रोकल किया है, अदरवाइज़ मैं इसको भी रेसिप्रोकल कर सकता था, लेकिन मैंने इसको रेसिप्रोकल इसलिए किया क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात बनेगी। तो इसलिए अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इसको 5/3 टू द पावर माइनस एक्स लिखा जा सकता है, और ये बीच में मल्टीपल का साइन है, और यहाँ पर 5/3 टू द पावर 2x यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 125 को 5 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है और 27 को 3 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर बेस सेम है, नंबर मल्टीपल में है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब कि इस वाले लॉ का यूज़ करेंगे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5/3 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2x। इसी तरह से आ जाएगा अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर 5/3 बेस डिफरेंट है, पावर कॉमन है, नंबर डिवीज़न में है, तो नंबर डिवीज़न में आके पावर कॉमन हो जाएगी, ये भी एक लॉ है। तो यहाँ पर बेस दोनों का सेम हो गया, अगर हम लोग देखें तो बेस दोनों का सेम दिखाई दे रहा है और नंबर इक्वल में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो ये पावर्स होंगी ये भी आपस में इक्वल होंगी। हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 5/3 टू द पावर माइनस एक्स है प्लस 2x है, तो यहाँ पर x बचेगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 5/3 टू द पावर 3। इसका मतलब बेस सेम है, नंबर डिवीज़न में है, फिर से वही बात कि बेस सेम है, नंबर इक्वल में है, बेस सेम है, नंबर इक्वल में है, तो पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर्स आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब इनका बेस अगर सेम है तो इनकी पावर भी सेम हो। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।